चढ़ाई करते टाइम अपने दो भाई मिल गए थे, एक भाई गाजियाबाद से भाई, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा फोग हो रखी। अब पहाड़ों का रास्ता स्टार्ट हो गया भाई, ऐसे 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 रोड स्टार्ट हो रहे। कच्चा रास्ता हो गया और इन भाइयों की बाइक भी गिर गई। अच्छा आगे मेरे हिसाब से जाम लगा हुआ, बाकी आगे जाके देखते हैं। गाड़ियां बिल्कुल रुक रुक के चल रही है एकदम। अरे ये रास्ता बहुत खराब है। 3 घंटे का टाइम दिखा रखा, 87 किलोमीटर बाकी है अभी। सौरभ के साथ में क्या सीन हुआ था वो बता। बंदर बड़ा भाई पानी की बोतल लेके गया, वार होने लग गया, डर के रोने लग गया। ये बारिश की वजह से ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं। गाइस जो रास्ता खराब वाला था क्रॉस कर लिया हमने, बाइक राइडर भी बहुत ज्यादा आया। दिल खुश हो गया बिल्कुल, नजारे के एक नंबर गए। यहाँ पे यहाँ रुके थे, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा फोग हो रखी है, इधर हल्की सी कम, उधर बहुत ज्यादा, और भाई आगे तो बहुत ही ज्यादा पानी नहीं दिख रहा वहाँ पे। था रेस्ट करने के लिए रुके हैं, एक जगह भी रुके थे। जो सोचा था भाई खुद का खाना बनाएंगे वो करेंगे, वो तो हुआ नहीं, लेकिन गाइस देखते मौसम साफ रहा तो बाकी रात को तो है ही कोशिश, वरना ये सामान हम जो लेके आए सारा का सारा वापस लेके जाना पड़ेगा हमें। यहाँ गुप्त काशी में रुके, अभी वहां मुश्किल से भाई जाम क्रॉस किया और आगे जाके फिर से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिया। देखो यहाँ भी नहीं मिली, 4 आधा लीटर के लेके आया, 2 लीटर की मिली नहीं भाई, क्या करें। कितने की दी है यहाँ पे? 50 रुपए की दी है भाई, 1/2 लीटर की, जो वहाँ पे हमारे वहाँ पे 30 रुपए की मिलती है वो 50 रुपए। देख लो भाई 50 रुपए की दी है ये भी। भाई यहाँ पे पार्किंग ले लिया भाई, बड़ी मुश्किलों से पार्किंग मिली, और भाई बारिश बहुत ज्यादा तेज आ गई एकदम। अभी यहाँ पे एक गाड़ी बुक किया, वो भाई हमें लेके जाएगी, हम अपना सारा सामान लेके जाएंगे। क्या गाड़ी ना मिले, पैदल चलना पड़ेगा ऊपर तक, पैदल चलना पड़ेगा बारिश हमारे यार। रेनकोट ले भाई, सामान को अपने अपने को संभालो भाई, जादू बन गया कोई, मिल गया फिल्म वाले। इधर देखो भाई अपना अपना सामान, ये पानी का अपना जग हो गया, ये सिलेंडर हो गया भाई, इसमें बर्तन है भाई, ये हमने आटा ले लिया, अभी बनाऊंगा मस्त भाई मटर पनीर की सब्जी। ऐसे इतनी ठंड में कैसे घूम रहा भाई। अभी जाएंगे भाई पैदल यात्रा करके केदारनाथ तक। अभी हम फिलहाल फोन प्रयाग में रुके हुए थे भाई, हमने टाइम से उठ गए थे, ब्रेकफास्ट भी होगा भाई, सारे बिल्कुल फ्रेश हो गए भाई, सब चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मौसम देखो गाइस कितना तगड़ा मौसम हो रखा है। अभी ये होटल लिया था हमने, ये देखो यहाँ से खाना वाना सब कुछ खुद बनाया था, अभी मैगी खाई है सुबह सुबह। निकल चुके हम अपने होटल से रूम पे जाने के लिए। कैसा रास्ता था? ओए अपनी पार्किंग कहाँ सीख थी भाई? इससे नीचे कहाँ रास्ता भाई, दिख नहीं रही अभी भी, कम टू केदारनाथ। पैदल चलना बहुत मुश्किल होगा इस पहाड़ों के अंदर तो यार, यहाँ पे पसीने आ चुके हैं मेरे को, अभी तो 16 किलोमीटर जाना होगा इस ऊपर। फालतू का जो सारा सामान था हमने गाड़ी में ही रख दिया, और भाई ज्यादा दिक्कत ना हो, बारिश नहीं मिलनी चाहिए, ये भाई मौसम साफ हो। अभी यहाँ तो धूप निकली हुई है भाई, सब गर्मी लगने लगी है, यहाँ तो चमकीली धूप निकली, जैसे ऋषिकेश थी ना वैसे ही सेम टू सेम मौसम यहाँ मुझे लग रहा है। थोड़ी देर पहले अपर पहना हुआ था मैंने, वो निकाल दिया, पहले थोड़ी देर पहले ठंड थी, अब जैसे ही धूप निकल गई भाई गर्मी होगी भाई। गर्मी का ये सीन है, हर 10 मिनट में मौसम चेंज होता रहता है यहाँ पे, तो इसलिए अपना बेस्ट है अपनी तैयारी करके चले, रेनकोट वगैरह ले लिए, जैकेट्स ले ली। हाँ। और भाई वैसे सिंपल चल रहे हैं, गर्मी लगेगी तैयार है। हाँ। शॉर्टकट मार रहे वो 7 किलोमीटर तक भाई गाड़ी में चले जाएंगे, उसके आगे पैदल कर चलेंगे। सो गाइस अभी ये गाड़ी बुक कर लिया हमने, सारे बैठ गए भाई अपने साथ में, 10 बंदे हो रखे हम साथ, मजा होगा। बैग को पकड़ भाई, अंदर बैठते हैं। यहाँ से भाई पैदल जाने का रास्ता पूरा 16 किलोमीटर में,
यहाँ से पैदल चलना बस 1.5-2 किलोमीटर हो गया हमें चलते चलते भाई, बहुत तगड़ी चढ़ाई है। ऊपर आ चुके हम यहाँ पे, अब आगे टी ब्रेक लिया है। तो फाइनली गाइस हमने इनको पकड़ लिया है, अगर देख ले और समझ जाओ मेरी हालत ले जाना भाई। तो लेंगे आगे, एक से पूछी थी मेरा कितने की बताई, हाँ सोच के देख बताई होगी 150-200 की, 500 भाई भाई बहुत कॉस्टली आते हैं यहाँ पे। एक नंबर की ठंडी हवा चल रहा। चढ़ाई करते टाइम अपने दो भाई मिल गए थे, एक भाई गाजियाबाद से भाई और एक भाई एमपी से। और भाई ठीक हो? बढ़िया भाई, जय बोलेगी जय भोलेनाथ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो भाई बड़ी खुशी हुई भाइयों से मिलकर, यहाँ पर भी आके अपने भाई मिलते रहते हैं। सो गाइस बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, और ज्यादा मुश्किल होगा यहाँ से, 8 किलोमीटर बाकी अभी केदारनाथ। सो गाइस पहले यहाँ से रास्ता हुआ करता था, दिख रहा होगा आपको, देखो ये ऐसे ऊपर जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, और व्यू देखो गाइस। और बैटरी भी नहीं बची फोन में, सिर्फ 5% बैटरी बाकी है। सो गाइस फाइनली केदारनाथ मंदिर पहुंच गए हैं, विक्की भाई पीछे रह गए हैं, तो इसलिए वीडियो शूट मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी 7 बजे आरती होगी और 7 बज चुके हैं। मेरे साथ गोल्डी है, सोहित है, कैसा फील हुआ? बड़ा मस्त का। गोल्डी कैसा फील हुआ भाई? मजे आ गए यार। भाई साहब एक बार वेदर चेक करो यहाँ का, अभी तो बाकी यहाँ पे भी बादल थे तो पब्लिक ज्यादा होगी इसलिए बादल ऊपर चले गए हैं। मंदिर के सामने पहुँच गए हैं, आपको मंदिर दिखाएंगे। और हालत बस बहुत बुरी है, अंदर से बाहर से आते रहने लगवा दो, लगवा लिया ये पंडित जी से। बस टेंट ने ले लिया, मैं फोन 23-7 चार्जिंग पर लगा दिया था, और खाना वाना अब आया, उस टाइम बैटरी लो रखी थी तो मैंने फोन अपना 23-7 में चार्जिंग पर लगा दिया, तो भाई आते में सो गया था। 10-15 हो गए, 10-17 ज़्यादा टाइम लग गया यार, दर्शन अच्छे हो गए। वो कल भी यहीं रुकेगा भाई, कल आएगी केदारनाथ की, दिन की वीडियो प्रॉपर, मंदिर मंदिर के आसपास का व्यू, हर चीज़ की वीडियो लगाऊँ सुबह दिन में केदारनाथ के आसपास की। तो वीडियो करें आप एंड कमेंट बताना आपको वीडियो कैसे करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल पर हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब। जब तक बाय बाय, टेक केयर।